भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर पुल का काम प्रारंभ हो गया है। भोलानाथ पुल के पास के क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि हमें भोलानाथ फ्लाईओवर पुल से सटे आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराया जाए, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी ने इंजीनियर की टीम के साथ निरीक्षण शुरू किया और फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से एक स्टील ब्रिज का निर्माण करने की कवायद शुरू की गई। यह स्टील ब्रिज रेलवे की जो पुल है उसके ऊपर ही बनेगा। अब शहरवासियों को, खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही जिलाधिकारी डॉक्टर अनवर चौधरी ने बताया कि फ्लाईओवर ब्रिज का जो कार्य चल रहा है, जिससे कई लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, रोड काफी उबड़ खाबड़ है। जिलाधिकारी ने कार्यकर एजेंसी को कड़े शब्दों में कहा कि उस जगह को 24 घंटे में दुरुस्त कराया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। भोलानाथ पुल के पास शहर में अक्सर जाम की समस्याएं होती है। कुछ लोगों की मांग थी कि वहाँ जो अभी वर्तमान में पुल बन रहा है उसके अतिरिक्त भी एक साइड में सड़क पे पुल होना चाहिए। उसी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने मैं पूरी टीम को बुलाया था। तो एक इस मस्थुआ की जो रेलवे का पुल है उसके ऊपर से एक ब्रिज डालना है, जो स्टील ब्रिज होगा। उसमें सीधा रास्ता ही संभव है। अभी जो एक लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते को हम लोग अंडरपास से उसका कनेक्शंस और कम्युनिकेशन मजबूत करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में सुविधा नहीं होगी। दूसरी, जो अभी निर्माण वर्क चल रहा है वहाँ पे काफ़ी अंडुलेशंस है, रोड का सतह काफ़ी ख़राब है। मैंने कहा है कि आज रात तक ही उस रोड की सतह को ठीक कर दे, ताकि लोगों का मूवमेंट काफ़ी आसान हो जाए और हम लोग काम भी बेहतर तरीके से कर सकें। क्या कमियां सर आ रही थी? जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे, वहाँ के बगल में रोड काफ़ी उबर खाबर है, जिसको हमने कहा है कि जो मशीन से उसको तुरंत ठीक करे, ताकि लोगों का मूवमेंट फास्ट हो सके और कहीं रुकावट नहीं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गति शक्ति, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, सिग्नल उत्पाद स्टॉल, सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन एवं भवन, रेल कोच, रेस्टोरेंट एवं 10 वंदे भारत ट्रेन एवं 4 विस्तारित वंदे भारत ट्रेन सेवाओं सहित अन्य कई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिवत उद्घाटन किया गया। इसी बाबत भागलपुर रेलवे स्टेशन में भी कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर विधिवत उद्घाटन किया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद सीआर पाटिल शामिल थे। वहीं भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के दर्जनों पदाधिकारी, कर्मी व शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेल की 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कुछ जो है जो पूर्ण हो चुके हैं उसको राज्य देश को समर्पित किया है और हमारी रेलवे एक उत्कृष्ट और बहुत तेज रफ्तार से इस विकास कर रही है, और जिसमें हमारे जो उच्च क्वालिटी के उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन है उसका 10 ट्रेनों का आज परिचालन उन्होंने शुरू किया है। और एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP के तहत हमारे पूरे देश में बहुत से काउंटर खोले गए हैं और मालदा मंडल में करीब 28 इस तरह के काउंटर हैं। OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत हमारे भागलपुर में 2 काउंटर हैं जो हमारे चल रहे हैं। और खुशी की बात है कि भागलपुर से राजधानी ट्रेन भी दी गई है और भी ट्रेन का उसकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, उसका एक्सटेंशन किया गया है और बहुत से स्टेशन पर जहां पर डिमांड थी जनता का उसका स्टॉपेज भी किया गया है। और आज हमारे मालदा मंडल के लिए एक और खुशी की बात है कि UTS मशीन का धौनी से जो है आज उद्घाटन 12 बजे जो वहां से भी उद्घाटन किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस के विलंब से पहुंचने की शिकवा शिकायत अब लोगों को नहीं रहेगी। इसके लिए 112 नंबर डायल करना होगा और महज 20 मिनट बाद पुलिस संबंधित स्थल पर मौजूद रहेगी। इसको लेकर भागलपुर में पहले फेज में 18 गाड़ियां मुहैया कराई गई थी। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आज दूसरे फेज में भागलपुर में 28 गाड़ियां, बांका में 22 गाड़ियां और नौगछिया में 12 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं पुलिस उप निरीक्षक विवेकानंद ने बताया
कि पुलिसिया कार्रवाई को दुरुस्त करनी, पुलिस के विलम्ब से पहुंचने की शिकवा शिकायत को दूर करनी और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर यह कवायद की जा रही है। उम्मीद है ऐसी कवायद से अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाएगी और लोगों के पुलिस की देर से पहुंचने की शिकायत भी दूर हो जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली PRSS परियोजना के तहत 112 की सेवा जो है नागरिकों को, आम नागरिकों को उपलब्ध है और इसके द्वितीय चरण में भागलपुर जिला को 28 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जबकि 12 गाड़ियां पहले से प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त बांका में 21 गाड़ी प्राप्त हुई है और 12 गाड़ी नौगछिया जिला को भी प्राप्त हुई है। पूरे रेंज में 61 गाड़ियां प्राप्त हुई है और 19 गाड़ियां पहले से उपलब्ध थी। इस तरह से अब हम पूरे रेंज के सभी दूरदराज स्थानों को भी 112 की सेवा उपलब्ध करा पाएंगे और इससे आम नागरिकों को सबसे बड़ी सुविधा यह उपलब्ध होगी कि पुलिस, फायर और चिकित्सा तीनों तरह की मदद उन्हें इस नंबर 112 नंबर डायल करने पर यह सुविधा उन्हें मिल पाएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। गर्मी की तलखी में बढ़ोतरी से जलस्तर में कमी आने लगी है, इससे चापानल खराब भी होने लगा है। गर्मी के मौसम शुरू होते ही PHD विभाग ने पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए चापाकल मरम्मत दल का गठन कर प्रखंडों के लिए रवाना कर दिया है। अब धीरे धीरे ताल तलैया सहित घर बाहर लगे चापाकल सूखने लगेंगे। इसी को देखते हुए विभाग मार्च महीने तक सभी चापाकल को मरम्मत करने का लक्ष्य रखी है ताकि अप्रैल माह से आने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। जिले में पेयजल की समस्या से निपटने को प्रशासन ने यह कदम उठाया है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल चौधरी ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल भागलपुर पश्चिम के द्वारा चापाकल मरम्मती दल के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भागलपुर नगर निगम ने इसको लेकर हेल्पलाइन भी जारी किया है, जिसका नंबर है 0641240097। अब आपके आसपास के भी चापानल अगर खराब है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर इसकी सूचना दे सकते हैं। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज डाटा एंट्री ऑपरेटर का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया। उन लोगों की मांग है कि हमें टंकन एग्जाम से मुक्ति दिलाई जाए। वहीं ऑपरेटर ने कहा कि उर्मिला एजेंसी के तहत हम लोगों की डाटा ऑपरेटर में बहाली हुई है, बहाली के बाद हम लोगों पर विभाग द्वारा कई नियम व शर्त लागू कर दी गई है, परीक्षा से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोगों की मांगे हैं कि टंकन एग्जाम को रद्द किया जाए, वरना हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और कामकाज ठप रहेगा। प्रदर्शन के दौरान बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के दर्जनों डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। जी, हम लोग उर्मिला एजेंसी के माध्यम से सभी डाटा ऑपरेटर बहाल हुए हैं, पहले भी बहाल हुए थे जब, तो
तो हम लोग सबको टंकन एग्जाम दे करके आए हुए थे, और जब फिर कंपनी की हाँ ख़त्म होने लगी, मतलब निरस्त होने लगी उनकी जो है कि संस्था से, तो हम लोगों से पुनः जो है फिर जो है पैसा की मांग किया गया, और जो है कि पुनः टंकन का एग्ज़ाम देने के लिए जो हम लोग से जो है बोला गया। इसी एग्ज़ाम को बहिष्कार के लिए हम लोग जो अपना सबको संघ मिल करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज सिविल सर्जन सदस्य यहाँ सचिव जिला अस्पताल भागलपुर में। क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोगों की है हम लोग को जो है टंकन एग्जाम से मुक्ति दिलाया जाए। कुछ लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहा है, कोई 12 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है। काम करने के साथ एजेंसी चेंज होते रहती है स्वास्थ्य विभाग में डाटा ऑपरेटर के लिए। जब एजेंसी चेंज होती है, जो भी नया एजेंसी को राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य मिलता है कार्य करने के लिए, वो लोग हमेशा एग्ज़ाम लेके नियुक्त करता है। जब एग्ज़ाम लेके हम लोग को नियुक्त किया गया और फिर से उर्मिला इंटरनेशनल को दोबारा उन्हीं को मिला गया राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य करने के लिए, तो जब हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति जब नियुक्त किया गया उर्मिला को, और उर्मिला के नियुक्त किए द्वारा नियुक्त किए हुए हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जब उसी का विस्तार किया गया तो फिर हम लोग का विस्तार को रोक क्यों लगाया गया? बाबा रामेश्वर सेवा समिति द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक कन्हार में रामेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय राम कथा सह भागवत कथा में चंडीगढ़ से पधारे राम कथावाचक कुंदन जी महाराज ने प्रभु श्री राम के वन गमन और केवट प्रसंग विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाते हुए कहा कि जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर करे तो यह सच्ची भक्ति कहलाती है। कथावाचक ने कहा कि सभी लोग अगर अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पवित्र बनाएंगे तो हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता का वास होगा। भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि ईश्वर आपको याद करे। सीताराम कृपा करे तो संसार के सुख से ज्यादा सत्संग देते हैं। मानव जीवन संसार का सुख भोगने के लिए नहीं अपितु परमात्मा के मंगल में चरित्र का चिंतन मनन कर संसार रूपी भवसागर से पार होने का माध्यम है। वृंदावन धाम से पहुंचे श्रीमद् भागवत कथा वाचक पंडित अंकित कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के 4वें दिन प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा भक्तों को विस्तार पूर्वक सुनाते हुए कहा कि नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अंकित कृष्ण जी महाराज ने कहा कि जब जब इस वसुंधरा पर धर्म की हानि होती है तब तक प्रभु अलग अलग रूप धारण कर धर्म की स्थापना हेतु इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं और अपना आनंद का रस संसार में बिखेरते हैं। राम कथा और भगवान के दौरान निकाली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सचिव नंदन सिंह पाटो, राम बहादुर सिंह, पंकज सिंह, चंदन सिंह, गौतम सिंह, मिथिलेश सिंह, अरुण सिंह, प्रकाश सिंह, धनंजय सिंह, अनंत सिंह, ओपी पासवान, दिलीप यादव सहित रघुचा कन्हार, पनसाला, कुमारपुर, मोथाबारी, कटरा, उताढ़ी, कुमेठा के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर के सालेपुर गांव में महाशिवरात्रि को लेकर आयोजित भक्ति संगीत कार्यक्रम में मशहूर गायिका देवी ने शिरकत की। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में मशहूर गायिका देवी ने एक से बढ़कर एक भक्ति गानों की प्रस्तुति दी। इस दौरान भक्ति गानों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। गायिका देवी ने बताया कि इससे पहले भी कई बार भागलपुर आना हुआ है। भागलपुर के लोगों के साथ एक अपनापन का एहसास है, यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है तो भागलपुर आने से खुद को रोक नहीं पाती हूं। शांतिपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होने के लिए देवी ने सभी दर्शकों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, MLC NK यादव, बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, समाजसेवी संतोष शाह सहित कई लोग मौजूद थे। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा जब मैं आई तो देखी कि काफी भव्य तैयारी हुई है, और संजय मंडल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। ये सारे जो सालेपुर के लोग हैं उनके लिए एक अचीवमेंट है कि इतने सारे कलाकारों से मिलने का मौका मिल रहा है यहाँ के लोगों को, और साथ ही साथ जो मेला है उसमें कई तरह का इंटरटेनमेंट है, और कहीं ना कहीं जो मेला की जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो संजय मंडल जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत सोचते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के लोग जो है वो अपने ही बारे में सिर्फ सोचते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए सोचता है ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। मंदिर में 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ,
इस कार्यक्रम में आज देवी जी की उपस्थिति हुई और कार्यक्रम में काफी देवी जी ने चार चांद लगाया और सभी श्रोतागण इसको बड़ी शांति से सुने। इस कार्यक्रम को कराने के लिए वहाँ के अध्यक्ष श्री संजय मंडल जी एवं समिति के सभी सदस्यगण एवं गणमान्य व्यक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और खास करके वहाँ का जनता का मैं खास करके अभिनंदन करता हूँ कि उसने एकदम शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सुना। दिल्ली की सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस द्वारा की गई अभद्रता और भागलपुर के नौगछिया में शोभा देवी हत्याकांड मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भागलपुर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों का सम्प्रदायीकरण किया जा रहा है। नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। वहीं भागलपुर के नौगछिया में शोभा देवी हत्याकांड में अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली में नमाज अदा करते समय पुलिस द्वारा हमला हुआ, जो देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है। अफसोस की बात है कि यह सरकार, मोदी की सरकार, लगातार सांप्रदायिकीकरण कर रहा है। अब तो पुलिस का भी, सुरक्षा कर्मियों का भी सांप्रदायिकीकरण कर रहा है, जो देश के लिए खतरनाक है। हम लोग भाकपा माले की ओर से मांग करते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाएं, रोक लगाएं और जिसने बदतमीजी की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही मैं यहां शोभा देवी बलात्कार कांड रंगरा में कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जानबूझकर उस पर बलात्कार कांड का दफा नहीं लगाया और वो जांच अधूरी है। मैं मांग करता हूँ भाकपा माले की ओर से कि शोभा देवी बलात्कार कांड में SP और वहां के दरोगा पर कार्रवाई हो।